तो ऐसे बिहेव कर रही हूँ जैसे ये ट्रॉफी प्योर गोल्ड की हो। मेरे लिए ये ट्रॉफी प्योर गोल्ड से भी ज्यादा प्रेशियस है। पता है जब मिस्टर शाह ट्रॉफी जीत कर आते थे ना तो मम्मी भी ऐसे ही संभाल संभाल के रखती थी और जिस एनवेलप में उन्हें दिवाली का बोनस मिलता उसे भी सेफ में रखती थी। So cute. Yes, very cute. तुम लड़कियां ऐसी क्यों होती हो? कैसी? क्यूट? हाँ, क्यूट भी, इमोशनल भी, स्ट्रॉन्ग भी और अमेजिंग भी। मतलब कितने इजीली तुम लोग सब कुछ सैक्रिफाइस कर देते हो। हाँ, मतलब दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशी इग्नोर कर दी, जैसे कि मेरी मम्मी, जैसे तुम। I'm so lucky कि तुम और मम्मी दोनों मेरी लाइफ में हो। बस बस आ, इतनी तारीफ भी मत करो कि फूल के मैं और मोटी हो जाऊं। किसने कहा कि तुम मोटी हो? तुम्हीं ने तो कहा था। अरे वो तो प्यार में कहा मैंने। अच्छा? और तुम मोटी नहीं हो, तुम बस थोड़ी हेल्दी हो, इनफैक्ट परफेक्ट हो। और इतनी प्रेटी हो कि थू 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 नजर ना लगे। हाँ माना कि मैं प्यारी हूँ, लेकिन एक पॉइंट के बाद तारीफ ना पटरिंग कहलाती है। जब गर्लफ्रेंड इतनी प्यारी हो ना, तारीफ ना करना बदतमीजी लगती है। रिंग मत पहना करो। क्यों? मुझे अच्छी नहीं लगती। What do you mean अच्छी नहीं लगती? तुम्हीं ने तो पहनाई थी। आप सोचता हूँ क्यों पहनाई थी? I mean मुझे इतनी चीप रिंग नहीं पहनानी चाहिए थी। ए, खबरदार हाँ, तू इसे चीप कहाँ तो? ए बॉयफ्रेंड ने इसे बड़े प्यार से पहनाई थी। और रिंग को ना मेटल नहीं, उसे पहनाने वाले की इमोशंस प्रेशियस बनाते हैं। इसलिए ये रिंग मेरे लिए डायमंड रिंग से भी ज्यादा प्रेशियस है, क्योंकि ये रिंग हमारे प्यार की पहली निशानी है। You okay? तुम ठीक तो? I'm fine. निकल। चल बाहर निकल। बाहर निकल। ए, चला। डरो मत नंदू, मेरे होते हुए कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता है। निकल, जो भी सामान है निकालो और निकल यहां से। दिल्ली बेवकूफ समझाया क्या? हमें पता है, सबसे पहले गाड़ी का नंबर नोट करते हैं। अरे घड़ी पर्स जो भी कुछ है दो यहाँ पे। ए, तू भी निकाल। फोन निकाल, देना फटाक से निकाल। और क्या, दे ना जल्दी से, ये सब जल्दी दे। जल्दी कर, कोई आ जाएगा। सब क्या? बैग दे। काल ना उसको। ट्रॉफी निकाल। अरे निकाल उसको। अरे छोड़ना यार, इसका कोई 100 रुपया भी नहीं देगा। चल ठीक है। ए, रिंग निकाल, निकाल से। देख क्या रही है, निकाल ना रिंग को। ए, निकाल जल्दी, कोई आ जाएगा। अरे बोलना इसको। नंदू, इट्स ओके, दे दो। अरे एक रिंग के लिए इतना क्या नाटक कर रही है? निकाल, मैं कह रहा हूं निकाल इसे। क्या तुम फॉरएवर के लिए हैशटैग सनन बनोगी? टाइम मत वेस्ट कर, रिंग निकाल जल्दी। नंदू रिंग दे दो प्लीज। नानी बॉयफ्रेंड ने क्या कहा? नहीं दूंगी। क्या बोली, क्या बोली तू? जो भी हमारे पास था हमने सब दे दिया। मैं ही रिंग नहीं दूंगी प्लीज। रिंग देगी या जान देगी? मैं जान दे सकती हूँ लेकिन रिंग नहीं दूंगी। तो प्लीज डोंट गेट इमोशनल, रिंग दे दो प्लीज। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, रिंग दे रही है या नहीं? नहीं दूंगी। अब तो हम भी तुझसे रिंग लेके ही रहेंगे। भाई ये रिंग गोल्ड की नहीं है, ये आर्टिफिशियल रिंग है। अरे बात वो नहीं है, बात अब जिद की है। अरे छोड़ना यार, इतना मिल गया काफी है, चल चलते। अरे तुझे डर लग रहा है, तू निकल यहाँ से। मैं रिंग लेके जाऊंगा आज। हम तो क्यों जिद कर रही, दे दो ना, मैं तुम्हारे लिए सेम रिंग ला दूंगा प्लीज। बात
रिंग की नहीं है समर, इससे जुड़े इमोशंस की है। ये हमारे प्यार की निशानियां है समर, मैं इस रिंग को नहीं दूंगी। तेरा तो बाप भी देगा इस रिंग को। है? बाप पे नहीं जाना। क्यों? हम दोनों का बाप एक ही है क्या? How dare you? मुझे मारेगी? मुझे? अब तुझे कौन बचाएगा? तूने मेरी नंदिनी को हार्म करने के बारे में सोचा भी कैसे? How dare you? हिम्मत कैसे है तेरी नंदिनी को हाथ लगाने की? छोड़ूंगा नहीं तुझे, जान ले लूंगा। How dare you touch up? अरे छोड़ दो उसको यार, कुछ नहीं चाहिए हमको। ये तेरा सामान, ये ले। भागो यहाँ से, वरना जान ले लूंगा तुम लोगों की। चल चल। समर, are you okay? पागल हो गया? क्या जरूरत थी उनके साथ हाथापाई करने की? तुम्हें कुछ हो जाता तो? और तुम्हें कुछ हो जाता तो? एक रिंग के लिए अपनी जान खतरे में कौन डालता है? वो रिंग मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और मेरे लिए तुम स्पेशल हो नंदू। क्योंकि अपने बारे में भी नहीं सोचोगे? तुमने सोचा था? भिड़ गई थी ना उनके साथ, बड़ा हीरोइन बनने चली थी तुम। और तुम भी तो सनी देओल बन गए थे। हाँ तो और क्या करता? अरे तुम तो रिंग के लिए लड़ रही थी, मैं तो फिर भी तुम्हारे लिए लड़ रहा था नंदू। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं जी नहीं पाता नंदू। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। मैं एक बार प्यार को खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खो सकती। ऐसा कभी भी नहीं होगा, डोंट वरी। समर, प्रॉमिस मी कि तुम मुझे कभी अकेला छोड़ के नहीं जाओगे। यही तो हूँ मैं, तुम्हारे पास हमेशा, कहीं नहीं जा रहा हूँ। बट स्टिल, प्रॉमिस मी। मैंने तुम्हें प्रॉमिस रिंग पहनाई तो थी नंदू। यू डोंट ट्रस्ट मी? मुझे अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं है समर। एक तो बहुत मुश्किल से मेरे लाइफ में खुशी आती है, और जब भी आती है तब ज्यादा दिन नहीं टिक पाती। इसलिए मैं डरती हूँ कि कहीं किस्मत तुम्हें मुझसे दूर ना कर दे। डोंट वर, इस बार किस्मत को तुम्हें दुख देने से पहले मुझसे लड़ना होगा। एंड आई प्रॉमिस यू, दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर पाएगी नंदू। मैं तुम्हारे पास हूँ और हमेशा हमेशा रहूंगा।